हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू दी स्टडीज चैनल एंड आई होप यू आर ऑल रेडी टू हेयर फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन इन दिस वीक। फ्रेंड, ये वीकली करंट अफेयर्स सो आज रिलेटेड है 11 to 17 मई। फ्रेंड, इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस वीक के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट्स बनेंगे उनका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगी। और इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन है, 11 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फ्रेंड्स, यह डे हम राजस्थान के पोखरण में जो दूसरा सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण हुआ था उसी के सफलता के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फ्रेंड्स, जब ये दूसरा परमाणु परीक्षण था तो इसके अलावा पहला भी हुआ होगा, तो हम पहले के बारे में जानते हैं। यानी पहला जो था 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण हुआ था और फिर 1998 शक्ति मिसाइल का परीक्षण हुआ था। फ्रेंड्स, जो नेशनल साइंस डे होता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब बातें आपको एडिशनल फैक्ट के रूप में हमने बताया। किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 नेशनल पार्क और 6 टाइगर रिजर्व हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे संजय, कान्हा, पाना, बाधव आदि पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जीवन अमृत, शक्ति संकल्प योजना आदि स्टार्ट की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 किस संगठन ने जारी किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। फ्रेंड्स, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान किस प्रांत की मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस रेटिंग एजेंसी ने भारत के आर्थिक विकास 2020 से 21 के अनुमान को 2.6% से घटाकर शून्य किया है। फ्रेंड, गोल्डमैन सॉक्स कंपनी ने, जो कि अमेरिकी कंपनी है, वर्तमान में वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बंजर भूमि का यूज करने के लिए मातिर स्मृति योजना बनाई है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने जो बंजर भूमि है जिन पे फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है उसका यूज करके वहाँ पे मछली पालन और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया है। इसमें पूरा 2.5 लाख का लागत आया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, यहाँ उत्तर प्रदेश चर्चा में है तो हम इसका जिक्र करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नगर के नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है आदित्यनाथ योगी। फ्रेंड, यूपी ने अभी हाल ही में PPE किट के 50% अनुदान की घोषणा की है और साथ ही जियो टेक कम्युनिटी गूगल के साथ मिलकर समझौता किया है और साथ ही इसने पूल टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चावल की सीधी बुवाई के लिए प्रोत्साहित किया है? हरियाणा और पंजाब ने। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त पेडी कल्चर में हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सेंट्रल एशिया के किस क्षेत्रीय एयरपोर्ट को स्टाइट्रेक्स अवार्ड 2020 के लिए बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है? फ्रेंड, यह है बेंगलुरु एयरपोर्ट। इसमें कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को 68वीं रैंक दिया गया है। फ्रेंड, वर्ल्ड में जो फर्स्ट पर है वो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है वह है महाराष्ट्र। फ्रेंड, महाराष्ट्र के बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन जानते हैं। यहाँ की राजधानी मुंबई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धम सिंह ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुँचाने की योजना तैयार की है? यह राज्य है हरियाणा और जम्मू कश्मीर। फ्रेंड, यह जल मिशन योजना के तहत किया गया है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस बांध के निर्माण के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है? यह बांध का नाम है देयमर भाभा बांध। फ्रेंड, यह सिंधु नदी पर स्थित है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में किसने भाग लिया था? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। फ्रेंड, यह दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल संगठन है, लगभग इसमें आधी आबादी शामिल है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए की। वित्त मंत्री सीतारमण इसको बताएंगे कि कितने फेज में लागू करना है। 20 लाख करोड़ रुपए का दूसरा हिस्सा 9 चरणों में लागू किया जाएगा एंड 20 लाख करोड़ राहत पैकेज का तीसरा हिस्सा मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आईफिल्यू ब्रेसलेट बनाया है? इटली ने। इटली के आईआईटी ने इसे विकसित किया हुआ है। आईआईटी का मतलब है यहाँ पे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, यह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया गया है, यह आसपास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक्टिव रहेगी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में किस देश की नौसेना ने अपने मिसाइल से अपना खुद का पोत दाग दिया? फ्रेंड, यह ईरान देश है जिसने अपने खुद के मिसाइल से अपना पोत दाग दिया है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में किस वर्षावन की रक्षा के लिए सेना की तैनाती की गई है? अमेजन। अमेजन का वन दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले देता है एंड इसे लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल किस विवादित क्षेत्र को शामिल करने की योजना बना रहा है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी तट को इसराइल अपने विवाद क्षेत्र का में शामिल करने की योजना बना रहा है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड बाय।